देश की सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम पैनलिस्ट का, अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। आज आइए देखते हैं हमारे दर्शकों ने कौन सा मुद्दा चुना है बहस के लिए। बहस शुक्रवार को होनी है और आज के दिन होनी है और बहस के लिए हमने आपको 3 विकल्प दिए थे। आइए देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए आपने किसको सबसे नंबर 1 बनाया है। आज हम उसी पर बहस करेंगे जो हमारे दर्शक चाहते हैं। इसके अलावा दर्शक लाइव जुड़ेंगे भी, पटना से जुड़ेंगे, लखनऊ से जुड़ेंगे, देहरादून से जुड़ेंगे, झांसी से जुड़ेंगे। ओम प्रकाश पांडे, रूपेश कुमार, रोहित जादा और कुंवर देवांश सिंह, ये तीनों चारों हमारे साथ जुड़ेंगे। और आज का मुद्दा है, क्या फेल स्टेट बन चुका है पाकिस्तान? ये 65% लोगों ने इसे वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। भारत के खिलाफ नफरत की भावना के साथ ये देश बना था और इसकी पूरी की पूरी राजनीति अब भारत के खिलाफ कैसे प्रपंच किया जाए इसके आधार पर चलती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संसद में बुरी तरह गिरे हुए हैं। संसद में इस हफ्ते मारपीट भी देखने को मिली। उधर आर्थिक सर्वे में ये दावा किया गया कि इकोनॉमी में बहुत बड़ी तरक्की हुई है क्योंकि पाकिस्तान में 3 लाख गधे बढ़ गए हैं जिसके निर्यात के साथ अब पाकिस्तान कुछ डॉलर्स कमाएगा। पाकिस्तान पर बिलियन डॉलर्स का कर्जा है। वहाँ पर जो व्यक्ति पैदा होता है लगभग 1.25 लाख का कर्ज होता है पैदा होते के साथ ही उस पर। ऐसे में सरकार का ज़्यादातर पैसा दूसरे देशों को ब्याज देने में चला जाता है, तो ये मुल्क तरक्की कैसा करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा बड़ा सवाल कि इतने तमाम बुरे हालात होने के बावजूद भी पाकिस्तान कश्मीर पर राग अलापना नहीं छोड़ता। शाह महमूद कुरैशी ने चिट्ठी लिखी यूएन को और कहा कि कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश भारत कर रहा है। डेमोग्राफी नहीं बदल रहा है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिला रहा है। आइए देखते हैं क्या है पाकिस्तान की सूरत हाल, फिर इस डिबेट को खोलेंगे। तो आज इसी पर बहस होगी देश की बहस में और साथ ही साथ हम आपसे सवाल भी पूछेंगे। देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए क्या सवाल है, क्या पाकिस्तान की विदेश नीति भारत की विदेश नीति से मुकाबला कर सकती है? इसी संदर्भ में हमने सवाल पूछा है। और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा भारत से मुंह की खाता रहा है, मुंह की खाई है उसने, चाहे यूनाइटेड नेशंस का मंच हो या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच, चाहे कुलभूषण जाधव का मामला हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी भारत जीता। और इसीलिए हमने सवाल पूछा है, भारत की विदेश नीति का पाकिस्तान कभी मुकाबला नहीं कर सकता, हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। आप हमारे मोबाइल पेज पर जा सकते हैं, मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, ट्विटर पर जा सकते हैं, साथ ही साथ हमारे न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने पैनल को खोलता हूं। मेरे साथ जुड़ गए हैं लेखक, पत्रकार और कमेंटेटर तारिक फतेह साहब, पाकिस्तानी मूल के हैं, कनाडा में रहते हैं, द टोरंटो के लिए लिखते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं जिनका कद उनके पद से बहुत बड़ा है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, सबसे सुलझे हुए सेना के सोल्जर्स में से एक हैं। मेरे साथ जावेद गफ्फारी साहब हैं, पाकिस्तान के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अब्दुल समद याकूब साहब हैं, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिससे खुद इमरान खान नियाजी आते हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अजीम भट्ट साहब हैं जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार। शुरुआत में आपसे ही करता हूं, सबसे पहले अब्दुल समद याकूब साहब, देखिए आपकी आर्थिक नीतियां जहां पर हर पाकिस्तानी बच्चे के ऊपर 1.5 लाख से ज्यादा कर्जा है उसको सुधारने के लिए आपकी सरकार ने क्या प्रयास किए, उसका एक उदाहरण है जो आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आया है। यह खबर आई है पाकिस्तान के अखबार में जिसका ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पाकिस्तान में खस्ताहाल अर्थव्यवस्था में भले ही खस्ताहाल हो गई हो अर्थव्यवस्था, लेकिन हर आर्थिक सर्वे के अनुसार देश में गधों की तादाद में भारी बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तानी सरकार के आर्थिक सर्वे 2020-21 में कहा गया है कि देश में गधों की संख्या में 3 लाख की बढ़ोतरी हुई है और इन 3 लाख गधों को बेचकर चीन से पैसा कमाया जाएगा। तो ऐसे कर्ज उतारेंगे आप गधों को बेचकर? और क्या ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखने लायक चीज है कि गधे बढ़ गए भाई इमरान खान जी के कार्यकाल में? बात जरा संजीदा हो जानी चाहिए, ये बात नहीं आऊंगा, लेकिन ये बात मानने की है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो टर्बुलेंस में रही है और ये सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं, 1990 में आपकी इकॉनमी जो थी वो 1 अरब डॉलर आपको बिलियन से कर्ज लेना पड़ता, आपको तनख्वाह देने के पैसे दिख रहे थे
मुल्कों की इकोनॉमी में फर्क पड़ता रहता है। ठीक है, एक वक्त आपका बुरा गुजरा, आज आप एक अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशन में, आज हम जरा पिछली गवर्नमेंट के कर्ज लेने की वजह से जो हमें सूद देने पड़ रहे हैं वो हम भी बनते हैं, इकोनॉमी का हाल बुरा है यहाँ पे, जो कि बेहतरी की तरफ जा रहा है, मगर मसला हमारी इकोनॉमी का नहीं, हमारे इंटरनल मैटर्स को से आपको इशू नहीं होना चाहिए था। आपको हमारे साथ प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हमारी कश्मीर चाइना के साथ जो हमारी इन्वेस्टमेंट और जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हमारी चल रही है जिससे वो सी पैक हो गया वो, क्योंकि आपको असल खतरा तो अब है चाइना से, चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, चाइना का गुस्सा आप निकालते हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि उधर तो आपका वो लद्दाख में भी आप नहीं जड़ पाए और आपको पता है कि आप अगले 100 साल भी चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो जो चाइना का गुस्सा आप हमारे ऊपर निकालते हैं वो समझ में आता है। इसलिए मैं भी सुन लेता हूँ आपकी बातें, क्योंकि ठीक है आपका आपका जो विषय है वो होना भी चाहिए। मुझे बताइए ना, मैं बड़ी गंभीरता से पूछ रहा हूँ ये सवाल, आर्थिक सर्वे देश की आर्थिक दशा और दिशा का कायना होता है, क्या उसमें ये लिखना संसद के अंदर पेश किया जाता है? इसे आप हमारे यहाँ कम से कम अब्दुल समद याकूब साहब, क्या आपको लगता है कि आर्थिक सर्वे में देश के आर्थिक हालात को बताने के लिए गधों की आबादी को लिखना जरूरी है? देखिए ये सर्वे मैंने अगेन इससे मैं कॉमेंट ही करना चाहता है कि मतलब गधों के हवाले से आप बात करें तो फिर मैं क्या कॉमेंट करें, कोई शुअर ले आए, कोई गधे ले आए, मतलब ये संजीदा टॉपिक एक नेशनल टीवी के ऊपर डिबेट होगी तो इसके ऊपर मैं क्या आपसे कह सकता हूँ। और ठीक है हमारी जो बाकी पॉलिसी है जो गाय भैंस और इस तरह की डेली, मैं तो आपके आर्थिक सर्वे को कोट कर रहा हूँ, मैं कोई अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपकी इकोनॉमिक सर्वे को कोट कर रहा हूँ। सर्वे तो आप मुर्गियों के ऊपर करा ले, सर्वे आप जो है ना घोड़ों के ऊपर करा ले, गधों के ऊपर करा ले, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सर्वे तो आप किसी जगह सर देश का इकोनॉमिक सर्वे है, सर देश का इकोनॉमिक सर्वे है, मेरा नहीं, पाकिस्तानी सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है जिसमें वो बताता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है। देखिए अगेन फिर आपसे ये कहूंगा कि अगर हम कोई संजीदा गुफ्तगू करें तो ठीक है, सर्वे तो आप किसी चीज के ऊपर भी करवा दें, अगर मैं सर्वे पे आऊँ तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि भी आप जो जो दुबई में जो कुछ चल रहा है, जो भी गलत काम हो रहे हैं वहां से, या आप इंडिया से जो लोग भेज रहे हैं वहां पे उनके क्लब में भी इसके सारा कुछ, तो ये भी आपकी एक कमोडिटी है जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पूरी दुनिया की उस वाले से, तो इन चीजों में नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज से अवॉइड करता हूँ कि आप गधों की बात करेंगे, मैं आप सर हम वैक्सीन दे रहे हैं पूरी दुनिया को, हम पूरी दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं, गधे नहीं। आप वैक्सीन दे, कोरोना की वैक्सीन बनाई हमने, आप सिर्फ कोरोना की वैक्सीन ही दे रहे हैं, आप उनको बहुत रंग रंगीनियां भी दे रहे हैं उनको। मैं आप जब गधों की बात करेंगे फिर मैं आपको कॉमेंट इसी तरह करूंगा, तो इसको अवॉइड करके बेहतर है, इसको आप छोड़ लें इस बात को। चलिए चलिए ठीक है ठीक है, मैं इसी सवाल को जनरल बख्शी के पास लेके चलता हूँ। जनरल बख्शी साहब बताइए, मुझे बताइए क्या आर्थिक सर्वे के अंदर गधों की आबादी और 3 लाख बढ़ गए इस पर पीठ थपथपाना सरकार का, ये आपको लॉजिकल लगता है? ये देखिए साहब, ये हमारे पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर्स कह रहे हैं कि वो जरा सीरियस प्लेन पे ले जाना चाहते हैं, तो मैं सीरियस प्लेन पे ले जाता हूँ। सबसे पहले तो आप जो है वो किताब पढ़ें, पॉल केनेडी जिसने अपनी किताब में राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स बताया था कि ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स लाइक ऑस्ट्रिया हंगरी, लाइक जर्मनी, लाइक पाकिस्तान टेंड टू कोलैप्स फ्रॉम इंपीरियल ओवरस्ट्रेच एंड ओवररीच, बिकॉज क्योंकि आर्मी जो है वो वहां पे बिल्कुल चाबुक चलाती है, सारे रिसोर्सेज हड़प जाती है और ये आपकी त्रासदी रही है। आपकी फौज खा गई है पाकिस्तान का पैसा, खोखला कर दिया है आपको, अब खाने के पास आपके लोगों के पास हो या ना हो वो उनको अच्छे से अच्छे टॉय हथियार चाहिए, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चाहिए, स्वीडन से एवैक्स चाहिए और कहाँ कहाँ से उनको जेट फाइटर चाहिए ये सब। तो ये जो आपकी फौज है इसने आपकी इकोनॉमी का भट्टा बिठाया है और आपको गधे बेचने की कागार पे लाया। अब मैं आपको दूसरी बड़ी सीरियस बात कहूंगा, प्लीज मेरे को ध्यान से सुने और अपने फौजी आकाओं को बता दें। देखिए साहब, आप जितना चिल्ला ले यू कैन डू नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते जम्मू कश्मीर के बारे में। हमने 370 हटाया, हमने 35A हटाया, यू हैव बीन एबल टू डू नथिंग सिवाय चैचे, सेव योर ब्रेथ, व्हाट कैन यू डू? ठीक है,
और मैं आपको एज अ फौजी पूछता हूं, यू वांट कश्मीर, कम एंड टेक इट, लेके दिखाइए. सो व्हाई आर यू टॉकिंग नॉनसेंस, यू नो यू कांट डू इट, यू कांट इवन ड्रीम ऑफ इट. आपके मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे साहब, तो आप कश्मीर का राग क्यों अलाप रहे? व्हाई आर यू वेस्टिंग योर ब्रेथ, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? आप अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और दुनिया को ये घिसा पिटा टूटा हुआ रिकॉर्ड 75 साल से सुन सुन के उनके भी कान पक गए. सेनेटर साहब, आपकी जो भी उपाधि है, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट कैन यू डू अबाउट कश्मीर? स्वीट फैनी एडम्स, तारिक फतेह साहब इसका मतलब समझ गए हो, स्वीट फैनी एडम्स, यू कैन डू नथिंग. मेरा आपसे यही सवाल, मैं आपका सवाल ये जो समझ साहब बता दीजिए, हिम्मत हो तो कश्मीर लेकर दिखा दीजिए. चुनौती दे दी आपको जनरल बख्शी ने, और जब भी आपने हिम्मत दिखाई है मुंह की खाई है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसको आप पाकिस्तान आपको कश्मीर कहते हैं, तो आप आए ना, एक इंच आप अपनी गैरत दिखाएं, एक इंच आप ले लें हमसे, आपसे तो आपकी फौज इतनी बड़ी फौज, हमसे 5 गुना बड़ी फौज है, आप तो हमसे एक इंच नहीं ले सकते, तो फिर आप उसको पाकिस्तान आपको कश्मीर करना बंद कर, आप ले सके हमसे नहीं ले सकते, तो मान लीजिए ना कश्मीर का राग भूल जाइए. फिर जब आप हकीकत जानते हैं तो कश्मीर का राग क्यों लापते हैं? जनरल बख्शी यही कह रहे हैं. नहीं, जब आप हमें डेयर करते हैं, हमने तो आपको हमने तो इंडिया को गर्दन से दबोच लिया था कश्मीर के मामले के ऊपर, तब तो आपको ध्यान से बड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उस वक्त आपके लूज करते हुए नजर आया, फिर आपने आगरा सबमिट किया, वहां पे आप सोल्यूशन की तरफ आए, जो भी तकलीफ कर देते हैं वो सोल्यूशन हमने नहीं माना उसको. अगर हम मान गए होते तो आप उस वक्त वो कर चुके होते, फिर आपको इस्लामा सबमिट किया. अगर आप इंटेग्रल पार्ट कहते हैं तो आप किस चीज के ऊपर डिबेट करते हैं? किस चीज आप क्यों डिबेट क्यों करते हैं, क्यों डायलॉग करते हैं किस चीज के ऊपर? हमसे हमने तो कश्मीर पर बात करना बंद कर दिया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर. समझ साहब, तारिक फतेह साहब से जवाब ले लेता हूँ. सर, क्या पाकिस्तान ड्रीम कर सकता है कश्मीर के बारे में? बताइए तारिक फतेह साहब, इनको हकीकत बताना बहुत जरूरी है. देखिए, ये मेरे पास 1948 की किताब है, शब्बीर अहमद साहब ने लिखी, ट्राइबल इन्वेजन ऑफ कश्मीर. ये जब जिना साहब के जमाने में फौजियों को सिविलियन लिबास बना के, उन्हें ट्राइब्समैन बना के, अपने ही मुसलमानों को, अपने ही मुस्लिम कश्मीरों का कत्लेआम करवाया था, और श्रीनगर के बजाय उनको श्रीनगर की औरतें नज़र आ गई थीं, तो वो पिटाई हो के फिर वापस चले गए. एंड उसके बाद फिर 65 में आए, 65 में धुनाई हुई, उसके बाद चले गए. शास्त्री साहब के बारे में मजाक उड़ाते थे, कह रही है टुनकू है, छोटा है, ये वो धुलाई लगाई, वो फिर ख़त्म हो गए. 71 में आपने किया, फिर मुल्क टूट गया. ये इतना यानी ब्लाइंड साइटेड है कि कश्मीर से ज़्यादा तो इनका क्लेम होना चाहिए बांग्लादेश पे, ये उसके ऊपर नहीं कर पा रहे. आप समझिए कि लीगैलिटी और पाकिस्तान की जो फाउंडेशनल है, उसमें पाकिस्तानी ये प्रोपेगेंडिस्ट या हुकूमत है, वो कहें कि भाई बांग्लादेश तो हमारा था, हमें वापस दो. ना 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 ना, वहाँ तक तो जवाब ही नहीं जाता जो चीज़ नामुमकिन है उसके बारे में कह रहे हैं. गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान का अंदर का एरिया है, जो एक कैप्टन ब्राउन ने उठा के पिशावर के कर्नल को दे दिया था, पाकिस्तानियों को पता भी नहीं था कि वो पूरा हिस्सा चला गया है, वो कोल्ड वॉर का ज़माना था. वहाँ लोग जबान उनकी अलग, रिलीजन उनका अलग, वो पाकिस्तान से हटना चाहते हैं. आप ज़्यादा दूर नहीं जाइए, नीचे सिंध में आइए, जो पिछले 3-4 हफ्तों से जो हालात वहाँ हो रहे हैं, आपने पाकिस्तान मुर्दाबाद सिंध के अंदर जलूसों के अंदर देखा है, वो पाक फौजियों का जो है बहरिया टाउन, उसकी पूरी हेडक्वार्टर को जलाते हुए देखा है. ये कोई छुपी बात नहीं है, पाकिस्तान इज बर्स्टिंग एट इट सीम. सिवाय वहाँ यूपी और बिहार के उर्दू बोलने वाले या वो पंजाबी जो पंजाबी से शर्मिंदा हैं, उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, वरना ना पश्तून रहना चाहता इनके साथ, अटक के उस पार कोई नहीं रहना चाहता, सिंध में कोई पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, बलूचिस्तान पे तो इनकी फौज ने 1948 में कब्जा किया था, जब कश्मीर में पिटाई हुई तो वही पाकिस्तानी ऑफिसर्स कलात पे आके कब्जा कर गए, जिसकी आज़ादी अगस्त 11 को इंडिया और पाकिस्तान से पहले आज़ाद जो हुआ मुल्क वो बलूचिस्तान था, बिल्कुल जैसे बर्मा या सिलोन या नेपाल है.
ये उसको भी नहीं समझते हैं, ये जानते ही नहीं हैं। और अगर आप चौरसिया साहब टेक्स्ट बुक्स देख लें पाकिस्तान की, आप इनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। उसके अंदर सिवाय हिंदू हेट्रेड, हनूद और यहूद, जूश कंस्पिरेसी, काफिरों को गालियां, जुम्मे की नमाज में कहना या अल्लाह मुसलमानों को कौम काफिरों पे फतह नसीब कर। आप मुसलमानों की और आप इस तरफ लेके जाते, आपने बात की 1948 में कश्मीर में ट्राइबल एरिया चली गई, दे दी हमने, तो आप हैदराबाद सिक्योरिटी कौंसिल की कंडेम नहीं करते? नहीं, मेरी बात है, हैदराबाद में जो स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट था उसमें अगर इंडिया ने अगर उन्होंने भेज दिया, अगर इंडिया ने हैदराबाद, अरे जो हैदराबाद पाकिस्तान में उसकी बात करें पहले, जो इंडिया हैदराबाद हैदराबाद उसके आप भी बात करते हैं? नहीं नहीं, आप उस तरफ जो हैदराबाद है ना AIM का, वहाँ की वहाँ से। अरे अब्दुल समद साहब, अब्दुल समद साहब, अब्दुल समद साहब, पहले पाकिस्तान तो संभाल लेना, फिर कश्मीर का सपना देखिएगा। पहले पाकिस्तान तो संभाल लीजिए, कहीं ऐसा ना हो उसके ही टुकड़े टुकड़े हो जाए। तारिक फतेह साहब आगाह करा रहे, कोई रहना नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ। और मैं इसी सवाल को लेकर मेरे पाकिस्तानी पत्रकार अजीम भट्ट के पास जाता हूँ। अजीम भट्ट, बताइए, क्या बलूचिस्तान वाले आपके साथ रहना चाहते हैं? क्या पश्तून रहना चाहते हैं? क्या आपके साथ गिलगित बाल्टिस्तान वाला रहना चाहते हैं? हर जगह विद्रोह है पाकिस्तान के खिलाफ, कुछ लोगों को छोड़कर, चंद लोगों को छोड़कर जो वहां राजनीति करते हैं, बताइए भट्ट साहब। हाँ, बहुत शुक्रिया दीपक, सबसे पहले तो, और दूसरी बात जो सवाल है आपका, उसका बड़ा सीधा सा जवाब है, और वो जवाब पता है क्या है? कि पाकिस्तान के साथ उसके चारों सूबों के लोग रहना चाहते हैं, और जो लोग नहीं रहना चाहते तारिक फतेह साहब जैसे या अदनान समी जैसे, वो इस मुल्क से बाहर हैं, और उनकी हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वो रहे बाहर, वो रहे खुश, हमें ना तो वो चाहिए, और अगर उन्होंने पाकिस्तान में नहीं रहना तो खुशी से बाहर रहे भाई, हमें भी इस तरह के फसादी लोग नहीं चाहिए। जो आज भी इस डिबेट में दो देशों की इकोनॉमी पे अगर बात हो रही है, तो ये हिंदू मुस्लिम फसादात की बात कर रहे हैं, ये आज भी वही राग आप रहे हैं जो ये कहते हैं कि मैंने बांग्लादेश की आजादी में मुक्ति बानी का दिया था। तो ये इस तरह के आपको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। आप इस तरह के लोग अगर पाकिस्तान में जाना चाहते भी हैं तो शौक से जाएं, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान रहना चाहते हैं। हाँ तो भाई, मेरी बात सुने तारिक साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बात सुनिए। बिल्कुल, दीपक ने जो बात की है या आपके पैनलिस्ट जो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हो सकते हैं, और बहुत से मसाइल हैं, हम उससे भागते नहीं है। हमारी इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको अपने देश के अंदर बैठ के भी क्रिटिसाइज करते हैं। आई एम नॉट अ स्पोकपर्सन ऑफ PTI, वहां पर समद साहब बैठे हैं, वो उसकी जो है वो बात का जवाब देंगे। मैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एक्टिविस्ट, एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन ये बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल हमारे यहाँ पे इकोनॉमी के प्रॉब्लम हैं, हम उसको फेस कर रहे हैं, और हम उसके लिए दुआगो भी हैं, और हमारी हुकूमत या हमारी जो दीगर इदारे हैं वो उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान यहाँ पर बैठकर अगर हिंदू और मुस्लिम फसादात, जो कि 1947 में भी इन्होंने करवाया और उसका हर्जाना भुगता, 1947 में भी हिंदुस्तान यही कहता था कि जनाब ये तो पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, मुसलमान ये अलहदा देश नहीं हासिल कर सकते, ये अलहदा मुल्क हासिल नहीं कर सकते। जो आप आज बात कर रहे हैं कि कश्मीर की बात बाद में करें, कश्मीर की बात बाद में करें, उस वक्त भी आप जैसे लोग यही कहते थे तारिक फतेह साहब, और हमने 1947 में ये मुल्क लेके दिखा दिया आपको, आपको फसादियों के तौर पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में उतारा। तारिक साहब, इनको समझाइए कि इन्होंने देश जो कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान आइडेंटिटी के नाम पर ही भट्ट साहब आपने इस देश को मांगा था भाई, जिसकी दुनिया के सामने कलई खुल चुकी है, क्यों तारिक फतेह साहब एग्री करेंगे? बैंड बज चुकी है, के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं, आपके यहाँ शर्जील इमाम को कैद किया गया, आपके ऊपर आफरीन फातिमा को जो है वो अरेस्ट किया गया, आपके यहाँ मुकदमा हुआ, आपके यहाँ उमर खालिद के ऊपर मुकदमा हुए, आपने उसके ऊपर पूरे पूरे प्रोग्राम किए होंगे, आप ये बात ना करें। इसके घर में पाकिस्तान का झंडा होगा, उस पर होगा, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा पुरानी दिल्ली में, उसके साथ यही होना चाहिए, जो हरे रंग के झंडे लेके घूम रहे, जिन्होंने बिहार और यूपी से पाकिस्तान बनाया, के लोग पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के लोग, वो तो आपके लोग हिंदुस्तान के साथ नहीं। अरे भाई, वो तो आपके छोड़ा है ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो तो छोड़ के आए हैं। जनरल साहब मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि तारिक साहब को कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान मत करिए, इसी नाम पर तो इन्होंने पाकिस्तान मांगा था। दीपक जी, लिया भी है दीपक जी, देखिए, जो तारिक फतेह साहब बोल रहे हैं वो बहुत विस्तार और गहराई से बोल रहे हैं,
बट ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान नहीं समझता है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने इनको सिर्फ हेट इंडिया एंटी इंडिया सिखाया है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने सिर्फ इनको जो राग रागा है वो सिर्फ कश्मीर के बारे में और चाइना के साथ में नापाक गठबंधन और टेररिज्म, और टेररिज्म में भी क्या किया, धर्म को और जिहाद के शब्द को ऐसे इंटरप्रेट किया कि इसको फंडामेंटलिज्म एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन तरफ ले गए। और उससे हुआ क्या है कि पाकिस्तान आज के दिन, ठहरिए साहब ठहरिए मैं बोल रहा हूं, इंतजार कीजिए, देखिए इसके कारण पाकिस्तान का जो आज स्तर है हर एक विषय के ऊपर में, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, इकोनॉमी हो, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक जगह स्तर गिर गया। आप देखिए उनके पार्लियामेंट में क्या स्तर है, क्या भाषा यूज कर रहे हैं, क्या कल्चर दिखा रहे हैं, ये शर्म आती है देखकर कि इस प्रकार का स्तर गिर गया है पाकिस्तान का। और देखिए एक बड़ी बात यह है कि आज जो पाकिस्तान की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, जो जैसे आपने बताया उसके अंदर में उनका शुरुआत ही डेप्ट सर्विसिंग से शुरू होता है, शुरुआत ही लोन और डेप्ट को किस प्रकार चुकाया जाए वहां से शुरू होता है, इन्फ्लेशन जो जो असेंशियल कमोडिटीज है उनकी जो आइटम्स है उनकी कीमत। मेरे को तो मौका मिला था 2012 में पाकिस्तान जाने का, मैंने तो खुद देखा है किस प्रकार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम है, किस प्रकार वहां गैस की प्रॉब्लम है, किस प्रकार वहां पेट्रोल की प्रॉब्लम है, किस प्रकार जो आवाम है वो किस मुश्किलों से गुजर रहा है। देखिए पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने मिलकर अपने देश को, अपने आवाम को बेचा है चाइना को। इसके तीन समाधान है, देखिए प्रॉब्लम है लेकिन उसका समाधान क्या है। पहले सबसे पहले बड़ा समाधान यह है कि पाकिस्तान को जो इन्होंने 1947 से शुरू किया था स्ट्रेटजी और पॉलिसी हेट इंडिया एंटी इंडिया, उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, इनको स्ट्रेटजिक रिवर्सल करना पड़ेगा। देखिए ये जो कश्मीर का कार्ड था ना, जो कहानी थी, फॉल्स नैरेटिव था, वो 5 अगस्त 2019 को खत्म हो गया, जड़ से निकल गया, अभी वो चीज एकदम खत्म हो गई। वो फॉर्मर स्टेट जो जम्मू कश्मीर का था अभी 2 यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, इनको तो पता भी नहीं क्या हुआ है, इनके पैर के नीचे से जो रग निकली है ना वो इनको पता ही नहीं चला है। और जो तारिक फतेह साहब ने इतने सुंदरता से विस्तार से डिटेल से, देखिए तारिक साहब की एक खूबसूरती है वो गहराई से, वो पढ़े लिखे आदमी है, फिलोसफर है, अब बहुत एकेडमिशियन है, रिसर्च की है, उसके बल बूते पर बोलते हैं लेकिन बाकी कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। इनको तीन बातों की जरूरी है, देखिए पहला कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को करें, दूसरा कश्मीर के कार्ड को ड्रॉप करें, और तीसरा है जो नापाक गठबंधन जो इन्होंने शुरू किया है चाइना पाकिस्तान के बीच में, उसको कोऑपरेशन पे लेके आए, उसको न्यूक्लियर मिलिट्री से लेकर और कहीं पर जाए, ये है उनके लिए। आप कहते हैं ठीक है, ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ, मैं सीधे चलता हूँ जावेद गफ्फारी साहब के पास। जावेद गफ्फारी साहब, अब पाकिस्तान तभी आगे बढ़ पाएगा जब हेट इंडिया कैंपेन को वो रद्द करेगा और कश्मीर की बात छोड़ेगा, करने को तैयार हैं आप? वरना बातचीत नहीं, वरना कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं, आपको भी पता है। हम तो इस तरह की कोई पॉलिसी है ही नहीं हमारी, हमारी तरफ से इंडिया भाड़ में जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो हंस रहे हैं ना, ये असल में ये तारिक फतेह नाम की जो शर चीज आपने बिछाई हुई है ना, ये इसमें शैतानी है, इसकी हर बात में शैतानी है, इसका काम ही शैतानी फैलाना है। इसने जो इशू उठाया है वो कोई इशू बनता ही नहीं था। अब ये बांग्लादेश को क्यों नहीं हम कह रहे, इसका मामू लगता है बांग्लादेश को, हम उसको वापस लेके आए, बांग्लादेश चला गया, जो चला गया वो था ही नहीं हमारा, जो चला गया वो हमारा था ही नहीं। तारिक फतेह जैसे तुम चले गए हो, हमारे है ही नहीं, हमें कोई लेना देना ही नहीं तुमसे, तुम्हें कोई झूठे झूठे, क्योंकि तुम तारिक फतेह एक झूठे इंसान हो, तुम एक शर इंसान हो, तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो और कभी पाकिस्तान के हक में बात नहीं कर सकते, इसलिए तुम बाहर बैठे हो और बदनसीब आदमी हो। जो वतन से दूर होते हैं, अपने घर से जो मट्टी से निकाला जाता है उसमें कोई तो बुराई होती है, तुम एक बुरे इंसान हो इसलिए तुम वहां पे बैठे हुए हो। और पाकिस्तान की मिट्टी अल्हम्दुलिल्लाह पाक है तुमसे, और तुम जासूस से देखिए कितनी नफरत भरी है आप में जावेद गफ्फारी साहब, बिल्कुल नफरत भरी है आप में, यही तो आपका हेट इंडिया कैंपेन है, यही तो आपको हेट सिखाता है, आपके दिमाग में भर दिया आईएसआई और आर्मी ने, आपके दिमाग में भर दिया। तारिक फतेह साहब जवाब देंगे, जावेद गफ्फारी साहब यही हम कह रहे हैं
इंट्रो दिया है। आईएसआई और आर्मी ने आपके दिलों में नफरत भर दी है, भारत के खिलाफ भी और हर राइट थिंकिंग आदमी के खिलाफ। तारिक साहब बोलिए। देखिए इनके जरा माइक बंद करेंगे भैया, नफरत भर दी है। जनरल गुरमीत सिंह ने बिल्कुल सही कहा, हेट इंडिया, हेट राइट थिंकिंग पीपल, हेट राइट पॉलिसीज, आतंकवाद को बढ़ावा दीजिए। मेरे भाई तारिक साहब देखिए एक बात सुन लें, ये पाकिस्तानी तारिक फतेह हाँ शरारत में करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, खामोश हो जा, झूठ मत बोलो, शर मत फैलाओ। अच्छा अगर टीवी पे तुम्हारी गेस्ट बुलाया है तो शरारत ना करो, माइनस बातें ना करो, पॉजिटिव कर सकते हो तो करो, देखो अपना जो गद है उसे जाके निकाल लो। मैं तुम्हें बोलने वो जो गधे हैं उनको सुनाओ, पाकिस्तान के खिलाफ बात करोगे मैं नहीं बोलने दूंगा, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात करोगे मैं नहीं बोलने दूंगा, मैं तुम्हें वार कर रहा हूँ, मनवी बात मत करो। तुम कैसे रोकोगे मुझे, मैं कहूंगा तुम वादा करो कि तुम ये कुछ पाकिस्तान में बैठे हो क्या, बांग्लादेश को मैं वापस मनाऊ, तुम्हारे मामू लगते हैं बांग्लादेश वाले। आपको भी थोड़ा संयम रहना चाहिए, आप भी मेरे मेहमान हैं, मैं चिल्लाकर कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन इस लेकिन तारिक फतेह साहब को बोलने का मौका दूं, उससे पहले इस चुटू मेमे से निकलना चाहता हूं और सीधे चलता हूं। ओम प्रकाश पांडे मेरे एक दर्शक हैं, पटना से जुड़े। ओम प्रकाश जी क्या कहेंगे पाकिस्तान के पैनलिस्टों की बात सुन के, क्या उनको हेट इंडिया कैंपेन छोड़ नहीं देना चाहिए, कश्मीर को भूल नहीं जाना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? जी जी दीपक जी, मैं समझ रहा हूं और सुन भी रहा हूं, इन पाकिस्तान की जो भाषा है वो तो मानसिक कुष्ठ रोगियों की भाषा है, वह भाषा तो खूब समझता है लेकिन बताता नहीं है कि वह क्या बोल रहा है, और बड़ी अपनी एक एजेंडे पे ही लगातार बकबक किए हुए है, और खूब समझता है कि यह क्या सुनना चाहता है। अच्छा पांडे जी बताइए, इनको कश्मीर का सपना देखना चाहिए क्या? अरे कश्मीर का सपना इनको तो सपना में भी सपना नहीं देखना चाहिए, कैसे ये देख लेते हैं ये लोग, लेकिन ये खूब समझते हैं कि कश्मीर में हमको कुछ मिलना जलना है नहीं, लेकिन लेकिन इनका एक बहुत बड़ा है कि इनको यह काम में लगे रहना है, इस काम को हमको लंबे समय तक लगे, क्योंकि इनका तो बहुत बड़ा पुराना रिश्ता रहा है ना कि इसी काम में हम लगे रहें, ऐसे मिलेगा नहीं, लेकिन इनकी लंबी योजना है और इसको लेके हमें जी ठीक है। तारिक फतेह साहब के पास चलता हूँ, तारिक साहब बताइए क्या ये सच नहीं है, आईएसआई और आर्मी इसी बल पर चलते हैं क्योंकि उसे एक इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं? सर इनका माइक बंद करें, ये बदतमीजी क्यों बंद करें, तुम्हारे बाप का माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, माइक बंद करें। अरे भैया इंडिया का माइक बंद करें, सिर्फ तारिक फतेह साहब के खिलाफ बोलोगे मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा, पाकिस्तान अरे नहीं तो तुम बाहर बैठो, देखिए पाकिस्तान। अरे भैया बैठे रहने दो जनाब, वो क्या जावेद साहब गुजारिश है मेरे मेहमान आ रहे हैं, मेरे मेहमान वो भी है, ठीक है तारिक साहब बोलिए। ए भाई ये तैमूर के टट्टू पे बैठ के आए थे, देखे इन सबको पता है आज और कल के दिन कराची के अंदर क्या हशर होगा, आपको पता है कि वहां 12 कमांडर्स महाजिर लिबरेशन फोर्स के बने, इनको चुप कराए सर, कराची के अंदर घरों को आग लगाई जा रही है। ए भाई तारिक फतेह भाई से कुछ नहीं हो रहा, ओ प्लीज सर इसका मुंह बंद कराएं। अच्छा भाई तुम करते रहो ना, तुम्हें क्या है, तुम्हारे बच्चे जाके हिंदुओं को नफरत करना चाहते हैं, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, तुम्हारी नमाजों में 48 टाइम्स अ डे तुम यहूदियों को गाली देते हो, हर जुम्मे के अंदर कहते हो, हर जुम्मे क्यों कहते हो कि या अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब करे, कामल काफरीन कौन है, ये सिख हिंदू जैन ईसाई यहूदी, तुमको शर्म नहीं आती कि लाहौर शहर में बैठ के तुम बात करते हो पाकिस्तान की? बकते हो, ए भाई तुम्हारा कोई पाकिस्तान ना कभी था ना रहेगा, तुम्हारे बाप का पाकिस्तान है और मेरा पाकिस्तान नहीं है, बिल्कुल तो शर्मिंदा अपनी मादरी जबान पे अपनी पुथी बांध कर और चुप कर जा, क्यों बकबक कर रहे हैं, तनु की फिक्र है पंजाब की, प्लीज उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका दीजिए, सिर्फ तारिक फतेह साहब एक मिनट के लिए, सिर्फ तारिक फतेह साहब प्लीज।
सर मैं जनरल बख्शी के पास इसके बाद तुरंत जाऊंगा। जनरल साहब मैं आ रहा हूं, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। देखिए जैसा था ना, कभी पाकिस्तान ना कभी पाकिस्तान था ना कभी रहेगा, और 1971 में तय हो गया कि ये जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो बंगाल के लोग थे, उन्होंने थू करके फेंक दिया कि जाओ लेके जाओ अपने कचरे के डिब्बों को। और यहाँ जो मुसलमान औरतों को रेप करने वाली फौज, वो जनरल जिसने कहा कि मैं एक जनरेशन में बंगालियों की शक्लें बदल दूंगा, ये आज उनके कदमों में बैठे हुए। दीज पीपल रेप्ड 100,000 वुमेन, मुसलमान औरतों को रेप करने वाले ये लोग हैं। ये वापस जाके फिर 1971 में बलोचिस्तान में घुस के उन्होंने आज तक वहां जंग लड़ रहे हैं, बलोच बच्चों को हेलीकॉप्टरों से गिरा रहे हैं, उनकी औरतों और माओ बहनों को रेप करते हैं इनके फौजी। ये क्या बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इनके जिस दिन बच्चियों के साथ वो होगा, तब इनको समझ में आएगा कि लफ्ज पाकिस्तान कितना घटिया वर्ड है। और ये मोहम्मद अली जिना, ये सुअर का गोश्त खाने वाले और विस्की पीने वाले मुसलमान, जिनको मस्जिद में जूता पहन के जानने से गांधी जी ने रोका कि जिना व्हाट आर यू डूइंग वेयरिंग शूज इन अ मॉस्क। जिना को पता नहीं था कि मस्जिद में जूते नहीं पहनते हैं। ये लोग पाकिस्तान बनाए, अंग्रेज के ठेके पे पाकिस्तान बना दिया कि ना हिंदुस्तान के दो बाजू तोड़ दें, और आप जश्न मना रहे हैं। आपने हिंदुस्तान के बाजू काटे, जिस मुल्क में पैदा हुए उससे गद्दारी की, और आप मुझे कह रहे हैं गद्दारी। आपने हिंदुस्तान का साथ जो किया उसके बाजू काटे बंगाल और फ्रंटियर और बलोचिस्तान को, आप सारी जिंदगी बदनसीबी में गुजारेंगे। आप पे कभी चैन नसीब नहीं होगा, और आपको हर एयरपोर्ट पे धुतकारा जाएगा और गालियां देके निकाला जाएगा। आप सिर्फ उसामा बिन लादेन के मेजबान बन सकते हैं, आपके यहाँ खालिद शेख मोहम्मद बसेगा, आप 9/11 कर सकते हैं, आप बंबई पे अटैक कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। दीपक एंकर बनो, दीपक इसे रोको, दीपक इसे शटअप कर दो, इसको रोको, ये गंद बोल रहा है। ठीक है, मैं सीधे जनरल बख्शी के पास चलता हूँ, जनरल बख्शी के पास चलता हूँ। अजीम भट्ट भाई, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। गफ्फार साहब, गफ्फारी साहब, जावेद गफ्फारी साहब, मैं पूरा मौका दूंगा। जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं, वो जोड़ना चाहते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब्दुल समद भाई के पास आ रहा हूँ, ठीक है, अजीम भट्ट भाई के पास आ रहा हूँ, अजीम भट्ट साहब के पास आ रहा हूँ। जनरल बख्शी प्लीज, मेरी बात सुनिए। तारिक फतेह साहब जो लॉजिक दे रहे हैं, आप एग्री करते हैं उससे? मेरा नाम जनरल बख्शी, मैं बताता हूँ। तारिक फतेह साहब जो लॉजिक दे रहे हैं, तारिक फतेह साहब ने थोड़ी सी सिविलाइज्ड बिहेवियर करें प्लीज। 71 के जनरल बख्शी, मेरा नाम है जनाब, मुक्ति बानी के जनाब, मुझे बोलने दीजिए। बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है, का मतलब डिबेट का मतलब मैं बोलूं, फिर आप बोले, फिर मैं बोलूं। ठीक है साहब, आप चिल्लाए मत। मैं सबको मौका दे रहा हूँ, जो बोल रहे कहने दे रहा हूँ। अजीम भाई प्लीज जनरल बख्शी की उम्र का लिहाज करिए, वो सीनियर है और उनकी बात पहले सुननी चाहिए अगर उन्होंने हाथ उठाया। मैं आ रहा हूँ आपके पास जनरल बख्शी साहब। देखिए साहब, मैं अपने पाकिस्तान के जो इंटरलोक्यूटर्स हैं, मुझे बहुत दुख हुआ देख के कि कितना जहर भरा हुआ है, कैसे जहर उगल रहे हैं। ठीक है साहब, ये जो जहर की मानसिकता है, ये आपके मुल्क को ले डूबे, ये सबसे ज्यादा नुकसान आपका करेगा। मैं फिर आपको एज अ बतौर एक बहुत एक्सपीरियंस सोल्जर, 37 साल मैंने अफसरी की है, 4 साल ट्रेनिंग जोड़ ले तो 41 साल मेरे फौज में गुजरे हैं। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल बात करता हूँ। देखिए साहब, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हमारी शाहरग, हमारी दुखती रग, फलानी रग, ये रग, वो रग, तशद्दुद हो रहा है, फलाना डिमकाना, हर तीसरे चौथे दिन आप लोग ये भोंपू बजाना शुरू करते हैं। आई आस्क यू अ स्ट्रेट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, व्हाट कैन यू डू अबाउट जम्मू एंड कश्मीर? ऑन ग्राउंड यू कैन डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी फौज जानती है। इसलिए उसने मिलिट्री तरीके से तो ट्राई करना ही बंद कर दिया 71 के बाद, फिर वो टेररिज्म पे आए। अब आपको हमने क्लियर वार्निंग दे दी है साहब कि अगर आप समझते हैं कि ये छोटा घटिया और सस्ता रास्ता है भारत को ब्लीड करने का, तो भारत ब्लीड नहीं करेगा। अगर आप मास कैजुअल्टी टेररिज्म करेंगे, पहले हमने आपको चेतावनी दी उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक से,
उसे समझ नहीं आया, तीन चार महीने के बाद फिर आपने चुलबुली शुरू की, फिर हमने एयर स्ट्राइक करी 80 किलोमीटर आपके एरिया के अंदर जाके, आपको क्लियर नोटिस दे दिया है कि आपके डेढ़ दो पौवे के न्यूक्लियर बॉम्ब कोई लड़ाई नहीं रोक पाएंगे। यू गेट दैट राइट? अगर आप हिंदुस्तानी खून गिराने की हिमाकत फिर करते हैं, बड़े पैमाने पे आप कोशिश करते हैं, यू विल गेट इट बैक। चाहे युद्ध हो या ना हो, हम लिमिटेड वॉर के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपके जो आका चीन ने भी कोशिश करी हमको डराने धमकाने की पिछले साल, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, होश हवास ठिकाने आ गए। ठीक है साहब, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, काम की बात करिए। मैं फौजी हूं, टाइम मत वेस्ट करिए, तकरीरें मत करिए, चिल्लाइए मत। आप बताइए आप कर क्या सकते, व्हाट कैन यू डू फॉर जम्मू एंड कश्मीर। मैं यही सवाल अजीम भट्ट जी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे एक दर्शक रूपेश कुमार लखनऊ से, जनरल साहब एक मिनट, रूपेश कुमार को लेते हैं, आप ही का सवाल अजीम भट्ट से पूछा जाएगा। आप रूपेश कुमार लखनऊ से, रूपेश क्या सोचते हैं, अब पाकिस्तान को हेट इंडिया कैंपेन बंद करनी चाहिए एसआई और आर्मी को? मैं पाकिस्तान को यह बताना चाहता हूँ कि जो भारत है अब पहले जैसा भारत नहीं रहा है। भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। पाकिस्तान होश में आ जाओ, नहीं तो वही हश्र होगा जो पहले अभी सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ है। आने वाले दिनों में चीन तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा, हम आपको घर के अंदर घुस के मारेंगे। अभी भी समय है, सुधर जाओ। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं अजीम भट्ट साहब के पास। भट्ट साहब बताइए, जनरल बख्शी ने साफ कहा, गलत सपने मत देखिए आप। हमारे यहां कहा जाता है, हर आउटडोर बस में लिखा है, दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो चीर देंगे। ये डायलॉग हम भी मारते होते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है दीपक। अच्छा मैं आगे चलता हूँ। देखें, पहले बात तो ये है कि जनरल बख्शी साहब जो फरमा रहे हैं ना, वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सबक खाली हमें मत पढ़ाइए ना, ये सबक आप ही सीखिए कि आपके प्रोग्राम में हमारे मुल्क से भागा हुआ एक भगोड़ा हमारे बानी के बारे में और हमारे मुल्क के बारे में, हमारे इदारों के बारे में, हमारी फोर्सेज के बारे में जो बदतहजीबी और बदतमीजी कर रहा है, आप उसको स्टॉप नहीं कर रहे, और आप उसको ये नहीं कहते कि ये हेट है। तारिक फतेह साहब को बड़ी अच्छी तरह आपने जो मुक्ति बानी में हिस्सा लिया, मुझे नहीं पता कि वहां पर हमारे कितने फौजियों ने आपके साथ ज्यादती की है। ठीक है, आपके साथ हुई होगी ज्यादती, हो सकता है तभी आपको इतनी मिर्चे हैं, तभी आप इस मुल्क से भी भाग गए। अगर किसी जर्नैलों ने आपके साथ ज्यादती की है तो मैं मजम्मत करता हूँ भाई जान, आपके साथ करेंगे जनरल वो मुफ्ती का नाम तो बता दो यार, सुनो तो सही, मुफ्ती का नाम मुफ्ती जिसने बच्चे के साथ किया वो भी पता है। आप सुने बात को सुने, अभी बख्शी साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब देखें कश्मीर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, कश्मीर हमारा जो है ना वो अटूट अंग है। तो भाई जान बख्शी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वेरी रिस्पेक्टफुली आपसे बात करूंगा, नेहरू साहब आपके बानियान में से हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट आपको याद है कश्मीर पर क्या है? मुझे याद है, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर आपको कश्मीरियों को राइट देना चाहिए कि वो जहां जाना चाहे जाए। अगर नेहरू की ये स्टेटमेंट नहीं है तो मैं जनाब आपके साथ लाइव डिबेट के अंदर आपके सामने जो है वो माजत करूंगा। अगर आप अपने नेहरू आपका मुल्क आज उस आपका मुल्क उस वक्त इस वक्त उस हालत में है कि वो गोडसे को जिंदाबाद और गांधी को मुर्दाबाद कहता है। अजीम भट्ट साहब, वो जिंदाबाद कहने वाले गोडसे को जिंदाबाद कहने वाले, इतिहास में जीना बंद कर दीजिए, आज की हकीकत को समझिए, 2021 का भारत क्या है ये समझिए। मैं इसी सवाल का जवाब जनरल गुरमीत सिंह से लूंगा। जनरल साहब जनरल साहब सुन लीजिए, जनरल साहब के सुन लीजिए ना, जवाब तो लीजिए, आपने पूरा बोला, जवाब लीजिए। जनरल गुरमीत सिंह जी बताइए, इनको बताइए कि ये 1947 का वो भारत नहीं है, 2021 का भारत है, क्या इनको समझना नहीं चाहिए? दीपक जी, मैं बहुत नम्रतापूर्ण ये बताना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया है, फॉर्मर जम्मू और कश्मीर स्टेट को दो यूनियन टेरिटरी में बांटा है, पाकिस्तान का जो कश्मीर की कहानी,
जो नैरेटिव था बिल्कुल खत्म हो गया, जड़ से निकल गया है। मैं ये जनाब को ये कहना चाहता हूं, आप दोबारा सोचिए, स्ट्रेटेजिक रिवर्सल कीजिए एज ए नेशन, क्योंकि आपके पाकिस्तान आर्मी और ISI ने आपके देश का और आपके अवाम को बहुत कष्ट और बहुत नष्ट किया है। तारिक फतेह साहब ने बहुत सुंदरता से बेसिक्स बताए, बेसिक गलतियां कहती, और जनरल बख्शी सर ने बहुत डिटेल से बताया कि आगे क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, टेरर और टॉक्स इकट्ठा नहीं हो सकती हैं। अभी जो भारत का ट्रेंड है वो है कि अगर कुछ भी होगा तो प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव एक्शन होगा, एकदम प्यूनिटिव होगा, सजा के तौर पे होगा, सुन लीजिए, और बिल्कुल प्रिसिजन से होगा। और देखिए, ये जो पुरानी कहानी थी, सुन लीजिए जनाब, थोड़ा धैर्य रखिए। ये जो पॉलिसी थी ना, हेट इंडिया, एंटी इंडिया, ये जो अग्रेशन था आपका, जो अभी भी आप दिखा रहे हैं, जो मिस इंटरप्रेशन किया है जिहाद को, धर्म को, और देखिए जो रेडिकलाइजेशन किया है उसकी बहुत हानि हुई है। उसी के कारण है कि आप इस प्रकार से बोल रहे हैं। आपकी जो पाकिस्तान की दुश्मनी का दायरा है ना, आपने इसराइल तक ले गए, वहां पर आप हमस को ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप फ्रांस के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं रेडिकलाइजेशन को लेके। देखिए, आप अपने देश का, अपने अवाम की देखभाल कीजिए। आपको आज के दिन में हम तो देखभाल कर रहे हैं, हमारी देखभाल की आपको कोई प्रॉब्लम क्या है भाई? आप सुन नहीं रहे हैं, हमारी देश है, हाँ तो बैठे हमारे हुनों के प्यासे हो, आपको हमारा देखिए ऐसे कहते हैं वो हो गया कि ऐसे कहते हैं कि जब आप सुन लीजिए कौन चिल्ला रहा है? जावेद गफ्फारी साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नाटा हो गया सर एकदम से, समझ ऐसे लगता है लोग समझ गए। ना, मैं सीधे जावेद गफ्फारी साहब के पास चलता हूँ। जावेद गफ्फारी साहब, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, और मेरा बड़ा सीधा सवाल है, अपना मुल्क तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो चुकी है, वहाँ पर हालत यह है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, खाने के लिए दाल नहीं है, खाने के लिए ब्रेड नहीं है, खाने के लिए दूध शक्कर नहीं है, आप क्या कश्मीर को संभालेंगे? पहले अपना घर तो संभाल लीजिए, उसके बाद पड़ोसी के घर में जाइएगा ना। दीपक चुरंगिया, इस वक्त मेरे पास है 43 सेकंड, और मुझे पता है कि आपने 43 सेकंड भी मुझे नहीं बोलने देना, क्योंकि अभी कोई ना कोई टू करेगा और आपने कहना है कि जी निकल जाए, क्योंकि आप जब बुलवाते हैं अपने गेस्ट से, अरे आप दो में बैठे होगा जो नेगेटिव बोलेगा सभ्यता से, आराम से उसको आप बोलने देंगे। हाँ, मैं आराम से बात करता हूँ जनाब दीपक चुरंगिया साहब, आपका सवाल आपके मुंह पे मारता हूँ, क्योंकि आप गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भूखनांग नहीं है, पाकिस्तान में इकोनॉमी कोई बोरान नहीं निकला हुआ, पाकिस्तान के अंदर हम सरप्लस जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अभी आपने जो बजट देखा है, तारिक फतेह की जो मलूसाना आर्थिक मलूसाना लिखना पड़ रहा है, तारिक फतेह गधे बेच के इकोनॉमी बढ़ाएंगे, मलूसाना आप बिल्कुल वैक्सीन भेज रहे हैं, आप गधे भेज रहे हैं। पिछले तीन साल में पाकिस्तान की मईशत नीचे से ऊपर आई है, अल्हम्दुलिल्लाह 20 बिलियन सरप्लस है इस वक्त पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर ये लिखा है इकोनॉमिक सर्वे में 3 लाख गधे बढ़ गए पाकिस्तान में, पाकिस्तान वो दीपक चुरंगिया, पाकिस्तान पूरे एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहा है, सबसे महंगा पेट्रोल इंडिया दे रहा है। अगर आप इस हकीकत को झुठला सकते हैं तो झुठला दीजिए। तारिक फतेह साहब अगर कोई स्टडी है आपकी, तारिक फतेह साहब अगर इसके ऊपर आपकी कोई स्टडी है तो ले आइए, दाल रोटी मत खाइए, पेट्रोल दे रहे, चिकन मत खाइए, गोश्त मत खाइए, पेट्रोल पीजिए, पेट्रोल पीजिए जावेद गफ्फारी साहब, पेट्रोल कुछ खा रहे हैं, पेट्रोल से आम आदमी की पेट भर सकता है क्या, बताइए। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ, आपसे ज्यादा बल दे के बात कर रहा हूँ, और तारिक फतेह जो मनुसाना हंसी हंस रहे हैं, ये इसलिए हंसी हंस रहे हैं क्योंकि ये बाहर बैठे और इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें। ये मनुसाना हंसी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तारिक फतेह को मजा आता है जब पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन मुझे मजा आता है जब मैं पाकिस्तान के हक में बात करता हूँ, और जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ, और जब इस तरह के भगोड़े के सामने लगाऊंगा तो डबल मजा आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, तारिक फतेह, तारिक फतेह, मेरी एक छोटी सी आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा मैं पाकिस्तानी संसद की, वहाँ लाल जूते चले इस हफ्ते, वो भी दिखाऊंगा जावेद गफ्फारी साहब, ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान की राजनीति में, ये भी बता दीजिए। पाकिस्तान की राजनीति में जो हो रहा है ये आपका किया हुआ गंद है, उसके जब आप लोग साजिश करते हैं ना यहाँ पे, जो आपके पालतू है वो यहाँ पे आके गंद करते हैं और आपको खुशी मिलती है। सर, आप पाकिस्तान का झंडा लहराइए, अगर हम जल्दी गिलगित बाल्टिस्तान में इंडिया का झंडा लहराने वाले हैं।
पाकिस्तान में इंडिया का झंडा तो नहीं लहराएगा, लेकिन इंडिया में इंशाल्लाह पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को पंकी राजा क्यों बोल रहे हैं, ये भी समझ नहीं आ रहा है। ग्रीन कपड़े पहने हुए है ना, ये ग्रीन रंग छा जाएगा कश्मीर के अंदर भी और इंडिया में भी इंशाल्लाह। मैं बता रहा हूँ जिस तरह आपकी साजिश कभी बन नहीं सकती और पॉजिटिव चीज को कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान इंशाल्लाह सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में इंशाल्लाह पाकिस्तान और इस तरह के तारीफ होते झूठे जो हंस के ताले बातें करते हैं और वो हमेशा मुनाफिक बंदा होता है जो हंस के बातें करते हैं और जिस तरह तारीफ होते कर रहे हैं और इस तरह से सब साबित होता है कि ये आपको 2 मिनट बोलना चाहिए, आपने 43 सेकंड कहा था, मैंने 2 मिनट ये बच्चे इतने काम पीछे में घूम रहे हैं। ठीक है मैं समझ साहब आपके पास आ रहा हूँ, बस तुरंत आ रहा हूँ। मेरे दर्शक जुड़ गए रोहित ज्यादा देहरादून से, मेरे दर्शक जुड़ गए हैं रोहित ज्यादा देहरादून से, उनके पास चलते हैं। रोहित बताइए क्या कहेंगे हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट की बात सुनकर। हेलो हाँ रोहित बताइए क्या कहेंगे आप पाकिस्तान की आज की हालात पर। जी सभी को मेरा नमस्कार, मैं रोहित जयाड़ा। सर मेरा ये कहना है कि ऐसे समय में जब दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, पाकिस्तान साजिश रच कर जंग की जमीन की तैयारी कर रहा है। इसमें चीन की तरफ से उसे मदद मिल रही है। महामारी के इस कहर के बीच जब दुनिया के देश आपस में दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उस वक्त हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के तट पर बैठे इमरान खान हिंदुस्तान के खिलाफ जंगी मोर्चे के षड्यंत्र कर रहे हैं। वो भी तब कि जबकि हिंदुस्तान इंसानियत के नाते ज्यादा से ज्यादा इंसानों की जान बचाने के लिए मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि पाकिस्तान ने चीन और तुर्की की मदद से पीओके में ऐसी जगह ड्रोन पोस्ट बनाई है जिससे हिंदुस्तान में पाकिस्तानी असला और ड्रग्स आसानी से भारत भेज सकता है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा यह मानना है कि इस ऐसे समय पे पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ आगे आकर हमारी मदद करनी चाहिए ताकि इस महामारी के खिलाफ हम लड़ सकें। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात पर। मैं रोहित की बात सुनकर ब्रेक पे रुकूंगा, ब्रेक के बाद शुरुआत करूंगा, आपको पाकिस्तानी संसद की तस्वीरें दिखाऊंगा कि क्या किसी संसद में ऐसा हो सकता है। गालियां, लाल जूते, सब कुछ चला, प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या क्या नारे लगे, देखेंगे ब्रेक के बाद।